नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल एंड आपका टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर एक बार स्वागत करते हैं। और आज हम जीवन परिचय का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। इस पार्ट में आज हम आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय देंगे, जैसा कि हमने थंबनेल में दिखाया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। और हमारी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो बहुत सारे प्लेलिस्ट में आपको मोबाइल और टेक्निकल संबंधी वीडियो और हाई स्कूल इंटर्स संबंधी वीडियो आपको मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम हाई स्कूल इंटर्स की तैयारी कराते रहेंगे और मोबाइल संबंधी और कंप्यूटर की तैयारी के लिए कंप्यूटर संबंधी और सभी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो और दूसरे का जीवन परिचय चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सभी के जीवन परिचय मिल जाएंगे। और आप बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। इस की फाइल मिल जाएगी, MP3 की फाइल और PDF की फाइल, दोनों की फाइल मिलेंगी। आप MP3 में भी सुन सकते हैं जीवन परिचय को और PDF भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, और वीडियो तो आप देख ही रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि वीडियो ये है आपके सामने और इसमें आपको देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण जीवन परिचय की लिस्ट में है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका जीवन परिचय आप देख रहे हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में प्राचीन संत एवं पुरातत्व मनोविद्वान थे। और जो हाईलाइट हुआ है आप ध्यान में रखिएगा, जो हाईलाइट है इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये हाईलाइटेड चीज है। इनको सन 1904 ये पैदा हुए थे और बैस परिवार में और मेरठ जनपद के खेड़ा में, और इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और बालकाल लखनऊ में ही कविता था। और पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो यही पर सन 1904 से 1967 तक आप इनका पूरा जन्म मृत हुई और सन 1967 में यहाँ पर मृत हो गई। तो इस तरह से आप इनका पूरा का पूरा डिटेल आप इस तरह हेडिंग टू हेडिंग हमने तैयार किया है PDF को। अगर अच्छा लग जाए तो आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा जा करके। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इनकी शिक्षा देखते हैं क्या क्या शिक्षाएं हैं और कैसी हैं। शिक्षा जो है बनारस हिंदू में, आपको हाईलाइट जो है इन चीज़ को याद करना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें BA किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। और उसके बाद इन्होंने अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था और ये PhD भी किए, उसके बाद DLit और लखनऊ विश्वविद्यालय से ये सब किए। और हिंदू विश्वविद्यालय बनारस का जो है पुरातत्व प्राचीन इतिहास का विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं और आचार्य रहे हैं। तो इस तरह से पाली संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं का साहित्य का इनके गहन अध्ययन किया। और कृतियाँ इनका ध्यान दीजिए, कृतियाँ में एक निबंध संग्रह कुछ इस तरह से निबंध संग्रह हैं और ऐतिहासिक पौराणिक निबंध हैं और आलोचना है और शोध ग्रंथ हैं। तो इस तरह से इनकी वीडियोज में आपको दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। ओके, तो उसके बाद आपको और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं नीचे की सारी चीज़ें हैं। आपको इसमें हम बहुत सही हेडिंग टू हेडिंग कन्वर्ट किए, आप पूरा डिटेल इसको पढ़ सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर लेंगे। तो ये भाषा शैली इनकी है, भाषा शैली में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये भाषा शैली है और साहित्यिक योगदान उनका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। हेडिंग बहुत अच्छी से तैयार किए हैं, अगर हेडिंग को आप याद कर लेते हैं तो हेडिंग टू हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा और इधर आप पूरा इसको भी अध्ययन कर लीजिएगा। इन्होंने परिमार्जित खड़ी बोली का अध्ययन किया और जो हाईलाइटेड है पीले रंग का इसको जरूर याद कर। और इसकी PDF फाइल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी और MP3 फाइल भी इसको लिंक में मिल जाएगी, तो आप सभी चीज़ें डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से याद कीजिए। MP3 फाइल मिल जाएगी, आप उसको सुनकर याद कर सकते हैं और जैसा भी लगे आपको PDF पढ़ के याद कर सकते हैं और सारी चीज़ें आपको। और हिंदी साहित्य में इनका स्थान कैसा है ये भी अब देख लीजिए। उनकी शैलियों को कुछ इस तरह के हमने डिटेल अलग डाला है। तो जैसा कि शैली इनकी देखिए, इनकी शैली जो है ध्यान और स्वभाव के अनुरूप गंभीर है और ये इतनी प्रकार की शैलियाँ इनकी
इम्पोर्टेंट है कविता सात्मक और उद्धृत भावात्मक विचार अधिनाथ। और हिंदी साहित्य में स्थान जो इनका है और संस्कृत और पृथ्वी और भक्ति संस्कृत संस्कृत के अनवेशी साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य में चिरस्मरण रहेंगे। तो इन टोटली हमने जो भी बनाया है छांट करके आप इसको अगर याद कर लेते हैं इसको आप अपने मोबाइल में रख करके याद कर सकते हैं और पूरी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो यही थे इसका वीडियो का पूरा पीडीएफ और इसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और आप इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं वाजिद सर के इनकी पहले की फ़ोटो थोड़ा वृद्धावस्था की फ़ोटो टोटली हमने इनको आपके सामने प्रेजेंट किया। तो इसकी पूरी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए नीचे जा कर लीजिए। और इसी तरह हरिशंकर प्रसाद या और तरह तरह के जो भी हैं प्रोफेसर जी रेड्डी सभी के हमने जीवन बच्चे दे दिया जाकर प्ले लिस्ट दिए सभी का MP3 फाइल और PDF फाइल सबकी मिल जाएगी आपको आराम से। इसी तरह क्वालिटी अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी जो भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा तभी हम सुधार कर देंगे। ओके तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड ना अच्छा लगा तो डिसलाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ओके आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो फिर आती रहेगी। आप वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और मोबाइल और कंप्यूटर से उनकी वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए जय और अगली नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही मिल जाएगी। ओके चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं। और एक बात ध्यान देते हैं कि आपको अगर कंप्यूटर की तैयारी कराना है तो कंप्यूटर के लिए भी वीडियो बहुत ही जल्दी डालेगी और हाई स्कूल इंटर जो भी आपके बच्चे हों घर के उनको भी ज्वाइन करा दीजिएगा। इस पर हाई स्कूल और की वीडियो हम सारे विषय की डालते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन डाले हुए हैं मैथ की हर एक चीज़ की तो सबकी वीडियो मिल जाएगी। ओके चलिए वीडियो करते हैं खत्म। संतोष कुमार और टेक्नो प्लस स्ट्रेटजी को अभी हम करते हैं बाय। ओके थैंक यू।